जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम सभी यहाँ पर माननीय काशीराम साहब के 13वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनको सत्संग नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय काशीराम साहब ने हम भोजन समाज को वो विचारधारा, वो एक स्थान या ये कह लो वो रास्ता दिया है जिनकी वजह से हम आज एकजुट हैं, और उनकी एकजुट की वजह से ही आज हम सभी लोग पूरे भारत में जो कि कहते हैं कि जिसकी संख्या भारी होती है वो अधिकारी होता है। तो उसी नाते में कहना चाहते हैं कि मानव साहब ने हमको 85% का जो नारा दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस मूवमेंट को आज हमें वो सिखा करके गए हैं कि आपकी संख्या भारी है और आपको सत्ता पर रहना चाहिए। जो 15% लोग हैं वो लोग आज आपके ऊपर राज कर रहे हैं, ये सब सिर्फ हमारे लोगों की जो मूर्खता है या नासमझी है उसकी वजह से कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि आपको समय रहते समझना पड़ेगा कि आपको अपने हक अधिकारों को जानना पड़ेगा, आपके ऊपर हो रहे अत्याचार और जुल्मों को देखना पड़ेगा। अगर उन अत्याचार और जुल्मों को हटाना है तो आपको सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। जैसा कि मानवर साहब कहते थे कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार जोर जुल्म नहीं होते। आज अगर हमारे ऊपर जो जोर जुल्म हो रहे हैं, हर जगह से कोने कोने से हमें ये सुनने को मिलता है कि आज उस 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हमें सुनने को मिलती हैं। वो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज हम सत्ता में नहीं है, या ये कह लो कि हमारे ऊँचे ऊँचे पदों पर हमारे समाज के व्यक्ति नहीं बैठे हुए जो कि हमारी सुनवाई कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।